गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चैप्टर 6 इन ज्योग्राफी ह्यूमन रिसोर्सेज। वी हैव फिनिश्ड विद द टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी फर्स्ट वी सी द मीनिंग, इट इज द इट मीन डेंसिटी। Density of population is the average, average number of people. Density of population is defined as the average number of people living in a unit area of the earth surface. Again, I revise it. It's the average number of people living in a unit area of the earth surface. The density of a particular region is calculated by dividing the population of the region by its area. Now, if they ask to find out the density of population, so we will say that the density of population of a particular region, density of a particular region is calculated by dividing the population of the region by its area. The density of population is defined as average number of people living in a unit area of the earth surface. And how it calculated? The density of particular region is calculated by dividing the population. Population ko divide karna hai of the region by its area. कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर, इट इज एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 45 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। द होल वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है 45 पर्सन्स। एंड द साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन followed by the East and Southeast Asia. Because the size of the area of the whole is much larger than that of the classroom. हम कहते हैं कि जो हमारे स्कूल का पूरे हॉल का जो भी है साइज वो क्लासरूम से बड़ा है। However, when all the students of the school came into the hall too starts looking crowded. पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हॉल में जब उसमें सिट डाउन होते हैं तो हम देखते हैं कि वो हॉल क्राउडेड लगता है। When all the 30 students are present, our classroom seems very crowded. But when the same class is seated in the school assembly hall, it seems so open and empty. Why? तो साइज हम बोलते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं डिवाइडिंग बाय पॉपुलेशन ऑफ द रीजन बाय इट्स एरिया। तो यहाँ पर हम कहते हैं 30 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में, तो क्लासरूम क्राउडेड लगता है। पर सेम 30 पूरी स्कूल के जो स्टूडेंट्स है सीटेड इन द असेंबली हॉल, देन इट सीम्स टू ओपन एंड एम्प्टी, पूरा हमारा ऐसे क्राउडेड लगता है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। नाउ नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन of population. First we see the geographical factors. Factors affecting distribution of population. First we see the geographical factors. Geographical factors
टॉपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स. वन बाय वन विल सी टॉपोग्राफी. इन द जोग्राफिकल फैक्टर्स टॉपोग्राफी. इन द टॉपोग्राफी पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेटोस बिकॉज दीज एरियाज आर स्टेबल फॉर फार्मिंग. टॉपोग्राफी मीन्स इन द जो पीपल है वो प्रिफर करते हैं लिव ऑन द प्लेन्स. लिव ऑन प्लेन्स, प्लेन्स एरिया में वो प्रिफर करते हैं रहना. बिकॉज माउंटेन्स एंड प्लेटोस आर एरियाज सुटेबल, नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग एंड दीज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग कंपेयर टू द माउंटेन्स एंड प्लेटोस नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग. नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग तो कंपेयर करते हैं प्लेन्स और माउंटेन्स प्लेटोस में. तो जो पीपल होते हैं प्रीफर टू लिव ऑन द प्लेन्स एरिया बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर फार्मिंग कंपेयर टू द माउंटेन्स एंड प्लेटोस. मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज नॉट ओनली फॉर फार्मिंग दे ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज. द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन्स लाइक एंड्स, एल्प्स एंड हिमालयस आर स्पेशली पॉपुलेटेड. तो हम जो कहते हैं कंपैरिजन करते हैं प्लेन्स, प्लेन्स इज अ एरिया गंगा प्लेन्स. फॉर एग्जांपल गंगा प्लेन्स, तो गंगा प्लेन्स इज एक्सट्रा हैव ए मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड. मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब डेंसली मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ माउंटेन्स और प्लेटोस एरिया से वहां पर स्पेयर्स स्पेशली पॉपुलेटेड. आप वर्ड देखो स्पेयर मतलब थीन, बहुत कम पॉपुलेशन है. और गंगा प्लेन्स ऐसे एरिया में मोस्ट डेंसली मतलब ज्यादा पॉपुलेशन है. यहाँ पर एग्जांपल देख लो गंगा प्लेन्स और माउंटेन्स में हम एग्जांपल देखेंगे आल्प्स, आल्प्स माउंटेन्स एंड्स माउंटेन हिमालयस आर स्पेशली पॉपुलेट. तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा टॉपोग्राफी, सेकेंड पॉइंट क्लाइमेट. तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन दैट फर्स्ट टॉपोग्राफी. टॉपोग्राफी मीन्स पीपल लिव टू प्रिपर प्रिफर करते हैं ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन प्लेन्स एरिया बिकॉज प्लेन्स एरियाज सुटेबल फॉर फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर सर्विसेज एक्टिविटीज. बट हियर द माउंटेन्स एंड प्लेटोस कंपेयर टू दोज एरियाज आर नॉट सुटेबल बिकॉज देयर फॉर देयर एरियाज हैव स्पेशली पॉपुलेटेड एंड गंगा प्लेन्स फॉर एग्जाम्पल हैव मोस्ट डेंसली पॉपुलेशन एरिया. नाउ सेकेंड पॉइंट इज क्लाइमेट. पीपल यूजली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स. यहाँ पर जो हम देखते हैं क्लाइमेट में टू तरह के, एक एक्सट्रीम तो अवॉइड करते हैं पीपल दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड. एक्सट्रीम क्लाइमेट्स मीन्स का तो वेरी हॉट और का तो वेरी कोल्ड, उसकी वजह से अवॉइड करते हैं पीपल, रहना नहीं चाहते ऐसे क्लाइमेट में. तो पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड लाइक एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट. पोलार रीजन्स ऑफ रशिया, कैनेडा एंड आर्टिका. पोलार रीजन्स कहाँ के पोलार रीजन्स है? ऑफ रशिया, कैनेडा एंड आर्टिका. रशिया, कैनेडा एंड अंटार्कटिका. एंड अंटार्कटिका तो अगेन रिवाइज सेकेंड पॉइंट क्लाइमेट. द पीपल अवॉइड द एक्सट्रीम क्लाइमेट्स दैट आर वेरी हॉट और वेरी शॉर्ट. फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, पोलार रीजन्स ऑफ रशिया, कैनेडा एंड अंटार्कटिका. अगेन नेक्स्ट फैक्टर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स
अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यू विल राइट डाउन फॉर थर्ड पॉइंट सॉइल जोग्राफिकल फैक्टर्स. सॉइल फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया विच सॉइल इज सुटेबल प्रोवाइड लैंड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल लैंड जो फलद्रुप सॉइल होती है फर्टाइल लैंड फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड. थर्ड पॉइंट सॉइल फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया वांग हे चैंग चियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्त आर डेंसली पॉपुलर. फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. फर्टाइल प्लेन्स सच एज एंड ब्रह्म इन इंडिया गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया वांगे चेंग जियांग इंड चाइना एंड द नाइल इन इजिप्त आर डेंसली पॉपुलेटेड. हियर सॉइल फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया वांग हे चैंग जियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्त आर डेंसली पॉपुलेटेड. देन फोर वाटर. दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल. फ्रेश वाटर people live to prefer the area where fresh water is easily available. The river valleys of the world are densely populated while the deserts have sparse population. Compare karte hain river valleys and here are the deserts. River valleys area has the densely populated while deserts have sparse population. Water. Water में कहेंगे river valleys densely ज्यादा population है. Distribution of population का मतलब है जो population है वो equally distributed over the earth, पूरे earth पर equally distributed नहीं है. तो कौन से factors ऐसे affecting करते हैं कि जो ये unequal population distribution है. तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखते हैं. पहले फर्स्ट हमने देखा टॉपोग्राफी. टॉपोग्राफी जो होती है वो पीपल ऑलवेज प्रिफर टू लिव ऑन द प्लेन्स एरियाज. जो फार्मिंग और सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग एंड और सर्विसेज एक्टिविटीज के लिए सुटेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल गंगा प्लेन्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मतलब वहां पॉपुलेशन ज्यादा है. बार बार हम सभी पॉइंट में यही देखेंगे पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा है और पॉपुलेशन कहाँ कम है. डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब ज्यादा है पॉपुलेशन. स्पेर्सली पॉपुलेटेड का मतलब है कि वहां पर पॉपुलेशन कम है. पॉपुलेशन मतलब बस्ती पब्लिक जहां वहां रहने का. क्लाइमेट क्लाइमेट सेकंड पॉइंट है. जहां हार्श एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट है वेरी हॉट और वेरी कोल्ड वहां फॉर एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट पोबला रीजन एंड कैनेडा एंटार्क्टिका वहां पर पीपल यूजुअली प्रीफर नहीं करते हैं. सॉइल फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर.
नेक्स्ट हमने देखा वाटर, फ्रेश वाटर जहां अवेलेबल, पीपल प्रीफर टू लिव इन रिवर वैलीज, तो वहां पर भी डेंसली पॉपुलेटेड है, डेजर्ट एरिया में वेरी स्पेयर पॉपुलेशन है. और लास्ट पॉइंट हमारा है मिनरल्स. मिनरल्स एरियाज विद मिनरल डिपोजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, जहां मिनरल्स डिपोजिट है वहां मोर पॉपुलेशन है. डायमंड माइंस, डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू द सेटिंग ऑफ पीपल इन दिस एरियाज. इन दिस एरियाज द मिनरल्स, the diamond mines of south africa and discovery of oil in the middle east leads to settling of people in these areas. Now after geographical factors we come to the social, cultural, economic factors. Social, cultural and economic factors. First we see the social factors. Areas of better housing, education, health facilities are more densely populated. Social factors में देखेंगे areas of housing, education and health facilities are more densely populated. Are more densely populated. Pune, for example, Pune. Areas of housing, education, and health facilities are more densely populated. For example, Pune. सोशल फैक्टर्स में देखेंगे कि जहाँ एरिया से वहाँ पर हाउसिंग है, एजुकेशन है, जहाँ फैसिलिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज, वहाँ वो एरिया जो है वो मतलब सोशल एरिया हो कहलाता है. वहाँ पर सोसाइटी पूरी डेवलप होती है तो वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड मतलब ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल पुणे है. हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे कल्चरल. कल्चरल प्लेसेस विथ रीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. Places with religion, places with religion or cultural, cultural significance attract people. Varanasi, Jerusalem and Vatican City are some examples. Places with religion, जो हम बोलते हैं religion धर्म, और cultural significance attract people. Varanasi, Jerusalem and Vatican City are some examples. और last हमारा है economic factors. Industrial areas provide employment opportunities. Large number of people are attracted to these areas. तो जहां economic में आता है industrial areas. Industrial areas provide employment opportunities. Employment opportunities. Large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are two densely populated areas. Osaka in Japan and Mumbai in India are examples of densely populated areas.
densely populated areas. Now, last we revise all the factors, geographical factors. We have seen the 5 points: topography, soil, water, minerals, and climate. After that, we have seen the social, cultural, economic factors. In social, the society where having so housing, education, health facilities are more densely. Cultural areas where religion or cultural significance attract people. For example, here Varanasi, Jerusalem, and Vatican City are some examples. And last, we have seen the economic factors. In that, जहाँ पर industry है, जहाँ पर big big फैक्ट्रियाँ है, वहाँ पर employment opportunities मिलती है, और उसके वजह से वहाँ population ज़्यादा है. For example, Osaka जो city है in Japan and Mumbai in India are the more densely populated. वहाँ population ज़्यादा है. With this, we complete this geographical factors, social, cultural, economic factors affecting population. After that, we see the population change in the next class. Thank you very much, children.